जवानी। दो बहुओं के रिश्तों की है ये अनमोल कहानी। तेरी मेरी इसकी उसकी सबकी ये जुबानी। दो बहुओं के रिश्तों की है ये अनमोल कहानी। देवरानी हो जेठानी, देवरानी हो जेठानी। रोज रोज एक नया बखेड़ा करने में ये माहिर। एक दूजे की कमियां पल में कर देती है जाहिर। रोज रोज एक नया बखेड़ा करने में ये माहिर। एक दूजे की कमियां पल में कर देती है जाहिर। बहू सीधी साधी है छोटी है सयानी। एक दूजे पे रौब जमाए करती है मनमानी। देवरानी हो जेठानी, हो देवरानी हो जेठानी, देवरानी हो जेठानी। हाँ सॉरी सॉरी नो वैकेंसी राजा राम। हम नौकरी थोड़ी मांग रहे हैं, हम तो तुम्हारा दिल मांग रहे हैं। ओह यस, दिल भी ऐसे मांग रही जैसे कर्ज मांगते हैं। अरे ठीक से मांगो ना, आखिर दीक्षित की तरह। देखो दीदी, इनका कहना है कि जेठ जी ने अपने ऑफिस में सिर्फ लेडीज का स्टाफ रखा हुआ है, जेंट्स है ही नहीं। अब बताइए ये कोई मानने वाली बात है क्या? बिल्कुल नहीं। तो आप दोनों मेरे साथ चलकर अपनी आंखों से देख लो। हमेशा हमेशा भाई साहब की तरफदारी करते हो ना, आज आपको सब पता। देखो क्या देखो, यहाँ तो कोई भी नहीं। बोलो सत्यनारायण महाराज की। अरे राहुल तुम, अरे पल तुम भी? नहीं मैं नहीं, नहीं हाँ मैं भी वो मैं राहुल। हाँ जी जी, वो हम लोग यहाँ से गुजर रहे थे तो राहुल ने कहा कि क्यों ना आपसे मिलते चले। अच्छा इसने कहा? नहीं नहीं अच्छा किया अच्छा किया जो आ गए। लो आरती लो, आरती लो। आरती लेने के लिए कहा था। लो तुम भी लो। तुमसे मैंने कहा भी था राहुल कि आज ऑफिस में पूजा रखवाई है, तुम जल्दी आ जाना। लेकिन खैर कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। ये लो प्रसाद, लो ले लो। ये तुम लो, तुम्हारे लिए मैं घर ले आऊंगा बाकी। चले हाँ चले। आप? हाँ मैं बस ऑफिस में आज पूजा है ना, तो सोचा कि जरा शांति के साथ पूजा कर लो, उसके बाद आ जाऊंगा घर। शांति कौन? फिर शक कर रहे हो? नहीं नहीं, वो जुबान है फिसल गई। अच्छा जाओ जाओ। चले दीदी चलो। राहुल चले चलो। देखा तुमने? देखा मेरे भोले वाले पति, तुमसे ही उम्मीद थी। हाँ अरे राहुल तुम एक जेठ जी पर इल्जाम लगाने से पहले इतना तो एहसास। हाँ जेठ जी जैसे महान इंसान पे इल्जाम लगाने से पहले तुम्हें इतना एहसास होना चाहिए था। ये धर्मन मैं सच कह रहा हूँ, मेरा यकीन करो भाभी। मैं ऐसी जगह में एक मिनट नहीं रुकूंगी। जाओ, मेरा पर्स कहाँ है? पर्स? मैं अपना पर्स लेकर आती हूँ। केले ही खाते रहोगे क्या? शट अप। सर प्रसाद बांट दो, जाके बाहर देख के आ चलेंगे कि नहीं। प्रसाद बांट दो, अब देखो तब खाने पीने की बातें।
चलो तो पंडित जी पैकअप करो, इसका हो गया अभी। जैसा आपका आदेश। मैं इधर ही। अरे मैं नहीं, शनि आस पास है, शनि वापस आएगा। और रुक जाओ पंडित जी, रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, आप जरा वापस आप सामान लगा लो। अच्छा अच्छा अच्छा, थोड़ी सी पूजा और करते हैं, है? रख दीजिए नारियल, रख दीजिए। सुनाइए। कुछ नहीं, वो गलती से पर्स छोड़ गए। अच्छा, अरे मैं जाऊं? हाँ, आप अच्छे से पूजा कीजिएगा। हाँ, शांति के साथ पूजा कर आ जाऊंगा घर। जी ओके, बाय। साहब महाया है, सत्यनारायण भगवान की जय। हो गया, उठा लीजिए सब, उठा लीजिए। हाँ, आपने बहुत अच्छी एक्टिंग की, आपको एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे। थैंक यू। पैसे मुझे दे दीजिए सर, मैं दे दूँ। ये ऑफिस किसका है? आपका है सर। ये पूजा किसने रखवाई है? आपने रखवाई सर। तो पैसे तू क्यों देगा? भिखारी कहीं के जब देखो तब हाथ हमें फैला लेता है। मैं दे दूंगा, चल निकल। फोन आ गया। मोमबत्ती भी ना। बोल मेरी बारूद की दुकान। पापा, निकिता गिरड़ बोल रहा हूँ। मुझे पता था तेरा फोन आएगा, बोल। आप तो समझ ही गए होंगे कि मैंने आज आपको फोन क्यों किया। हाँ, समझ तो आ रहा है, पर तू बोल, तेरे मुंह से सुनना चाहता हूँ मैं। मुझे अभी सपना आया कि आप लोगों को पैसे बांट रहे। अच्छा, वैसे बात तो तू ठीक ही कह रहा है, पैसे तो मैं लोगों को बांट रहा हूँ, पर तू फिक्र मत कर। तेरे नाम का लिफाफा मैंने अलग से संभाल कर रखा है। भाई, after all, जो मुसीबत मुझ पर आनी थी, उसे तुमने ही तो बचाया है। बस इसी तरह से अपने पिता की सेवा करते रहे, तेरा लिफाफा हमेशा तुझे तैयार मिलेगा। समझा? ओके ओके पापा, अब ज्यादा मस्का मत मारिए। अच्छा, ठीक है। मैं फोन रख रहा हूँ, मुझे दूसरा अर्जेंट काम भी है। ओके बाय। तुम तो घर चलो, तुम्हारा बनाना शेक बनाती हूँ मैं आज। हाँ, चलोगी? मैं एक मिनट भी यहाँ नहीं रुकूंगी। मैं आप लोगों को कैसे समझाऊं? सच इतना कुछ हो जाने के बाद जो आदमी तुम्हें सुधारने की कोशिश कर रहा है, तुम उसी पे लांछन लगा रहे हो। छी, अरे छी छी, कुछ नहीं भाभी, देखना एक ना एक दिन ना मैं भाई साहब की पोल खोल कर रखूंगा। इतना कुछ हो जाने के बाद और कुछ बोलने को रह गया? बस चल, जान बची। लेकिन ये समझ में नहीं आया कुछ। सर, बांट दे, प्राइवेट प्रॉपर्टी है, बांट दे। प्रसाद बांट दे सर, कन्याओं। पीछे आ मेरे। हाँ तो कन्याओं, प्रसाद। नारायण भगवान की जय। सारा पुण्य मैं ही कमाऊंगा, इधर से आके बांट दो ना बाकी लोगों को। सर, आप कितने महान हैं सर, बोलो ना। ए टोपी, पीछे आ जा। हो गया, बट गया। हाँ तो देवियों, आज का कार्यक्रम समाप्त हो चुका है, अब आप लोग अपने अपने घरों के लिए प्रस्थान कर सकती हैं। हाँ, इधर से नहीं, इधर शनि खड़ा है और गुरु यहाँ है, आप लोग यहाँ से प्रस्थान कीजिए।
कल सुबह ऑफिस में मिलते हैं प्यारी सी स्माइल और गुड मॉर्निंग के साथ। तुम्हारे बुरे कर्मों की सजा दे रहा है तुम्हें। हाँ अरे ऑफिस का ऐसा माहौल मैंने आज तक कभी नहीं देखा। किसके ऑफिस की बात कर रहे हो? आपके ऑफिस की। मैं सोच रही थी कि अगर पूजा थी तो हमें भी बुला लेते। हमें क्यों नहीं बुलाया? हाँ हाँ क्यों नहीं बुलाया भाई साहब, हमें क्यों नहीं बुलाया? क्यों नहीं बुलाया? क्यों नहीं बुलाया? हाँ क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि इस ऑफिस में किसी भी लेडीज की परछाई पड़े, चाहे वो मेरी अपनी पत्नी क्यों ना। कितने महान ख्याल है ना इनके। महान ख्याल है इनके। हाँ मैं वही कह रहा था, कितने महान ख्याल है भाई साहब आपके। रहने दो तुम। अब समझ में आया कि जानबूझकर तुमने जेजी पर इल्जाम लगाया कि इनके ऑफिस में सिर्फ लड़के ही लड़के हैं, औरतें ही औरतें हैं। हां अरे कोई बात नहीं, होता है होता है होता है होती है होती है होती है वो होती है होती है। कठिनाई कठिनाई होती है, जब कोई सच्चाई की राह पर चलता है तो कठिनाई होती है ना। अब ऐसा भटका हुआ इंसान अगर सुधरने की कोशिश इसको करवाएंगे तो कठिनाई तो होगी ना, बुरा तो लगेगा ना इसे। शर्म नहीं आती मेरे होते में तुम एक लड़की को देख रहे हो? नहीं वो देख रहा था कि वो कमाल क्या। अरे अरे भाई साहब भी तो देख रहे हैं यार। तुम्हारी बात कर रही हूँ। सुनिए। हाँ बोलो बोलो बोलो। मुझे आप पर शक नहीं है लेकिन आप उसे तुम यही उसे घूर घूर कर क्यों देख रहे हो, यही पूछना चाहती हो ना? हाँ तो मैं तो ऐसी हजारों लड़कियों को घूर घूर के देखता हूँ। अरे क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ ना कि पायल को जितना हसीन और खूबसूरत ऊपर वाले ने बनाया है क्या उतना हसीन किसी और लड़की को भी बनाया है? पर ना ना पायल ना, तुम्हारे जैसा मुझे कोई नजर नहीं आता। आप कितने अच्छे हैं, कितने सच्चे है ना। हाँ जी। ऐसा कुछ नहीं है, मैं देख रहा था। चुप रहा। बात तो सुनो मेरी। I hate you, Rahul. मैं देख रहा था अगर वो लड़की मॉडलिंग शुरू कर दे तो वो बहुत बड़ी मॉडल बन जाएगी। वैसे क्या हुआ, झगड़ा हो गया राहुल से? इडियट है इडियट। हाँ इडियट तो वो है। तुम इसको संशिता का संभालो, मैं बात करता हूँ। हाँ प्लीज। इस इडियट से बात करता हूँ मैं। आप ही समझा सकते हैं इसे। हाँ। अच्छा। थोड़ी बात कर ले। कितनी बार समझाया तुझे मुझसे पंगा मत लियो, फिर भी पंगा लिया तूने, चैलेंज किया मुझे। हैं? लूंगा लूंगा, हजार बार लूंगा। कितनी बार लेगा? बहुत बार लूंगा। क्या हो गया, कुछ कर पाया? करूंगा और तब तक लूंगा जब तक आपकी पोल ना भाभी के सामने नहीं खोल देता। भाई साहब एक बात बताऊं यार। पूछो। ऐसी कौन सी गोली खिलाती होगी, कोई आपको कुछ कहता ही नहीं है। मैंने भी उस लड़की को देखा, आपने भी देखा, पर शिल्पा मेरे से रूठ गई, भाभी आपसे नहीं रूठी। गोली नहीं, चूरन चूरन खिलाता हूँ मैं फरेब का। फरेब का चूरन खिलाया तो मोहब्बत मिली और तुमने सच बोला मार मिली। फूल की जगह वो फूल गोभी कैसे आ गया ऑफिस में? राज की बात है ये, तुझे मैं नहीं बताऊं, बस इतना कह सकता हूं कि अपने आंख और कान खुले रखा कर। अच्छा आंख और कान ये तो खोल के रखता हूं। अच्छा वैसे आपको ये बताया किसने कि हमारे? तुमने? मैंने? हां मैंने कहा बताया, तुमने तो बताया। बाकी और कुछ नहीं बताऊंगा, जो पता करना है अपने सोर्सेज से कर लो, कर सकते हो ना। लेकिन एक बात बता दो। बोल दे। मैं आपकी पोल खोल कर रखूं। नॉर्थ पोल के साउथ पोल? ट्राई ट्राई टिल यू फेल। ट्राई ट्राई ट्राई। आई विल डेफिनेटली ट्राई।
आई विल मेक यू फेल। कुछ कहा? नहीं नहीं, वो अपने से बात कर रहा था, इसीलिए मैं यहाँ खड़ा था, मुझे पता तू ऐसा कुछ करेगा। गया? हाँ। सब भुला दिया? हाँ। चलो तुम, मैंने बात कर ली उससे, कोई बात नहीं, तुम रो मत, ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखो तुमसे पहले शर्मिंदा होकर घर भी चला गया है वो। अब चले? अब चले, हाँ चलते हैं, पूजा तो हो गई है, चलो। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। तुझे कैसे पता कि मैं डीपली सोच रहा हूँ? अरे चाचू, मैं वो हूँ जो पानी के बहाव को देखकर बता सकता हूँ कि गहराई कितनी है। वैसे हमारे घर में रहते कितने लोग हैं? गिने चुने चार पांच। अगर उनके चेहरे को भी मैं नहीं पढ़ पाया तो मेरे ब्रिलियंट होने का फायदा क्या है? वैसे आप सोच क्या रहे हैं? कहीं पापा के लिए गड्ढा खोदने की तो नहीं सोच रहे? अबे पागल हो गया क्या? अरे कभी भाई अपने भाई के बारे में गलत सोचता है बेटा? मिक्की आलू की टिक्की है सोचता है? देख मैं तो तेरे पापा के बारे में सोच रहा था, लेकिन सोच रहा था कि तेरे पापा जो है ना गलत रास्ते पर जा रहे हैं, तो मैं उन्हें सही रास्ते पर लाऊं। और किसी आदमी को गलत रास्ते से सही रास्ते पर लाना गलत बात होती है क्या? बोल बेटा मिक्की आलू की टिक्की है, तो ये कोई गलत बात है? अरे वाह, आप तो बड़े पुण्य का काम कर रहे हैं। ये मेरा भला कर सकता है, क्यों ना इसे पटा लूं। बेटा मिक्की, इस पुण्य के काम में तू भागीदार नहीं बनना चाहेगा? बोल बोल। बन सकता हूँ, पर मुझे एक बेड खरीदनी है, और आपको तो पता है कि पापा महीने के पॉकेट मनी के सिवा कुछ देते ही नहीं है। हाँ 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 हाँ, पापा है ना तेरे, पर मैं तो तेरा चाचू है ना। बैट चाहिए तुझे है? अरे मैं लेकर दूंगा ना मिक्की। मेरा बेटा आलू की टिक्की, मिक्की आलू की टिक्की, ये ले, इतने से तेरा काम बन जाएगा बेटा। आपने मेरी प्रॉब्लम सॉल्व की, अब मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ, आइए मेरे पास। बेटा मिक्की आलू की टिक्की, आलू की टिक्की। थैंक यू, मेरा थैंक यू, थैंक यू मिक्की। चलो ठीक है, रख देता। रख ले रख ले, देख गिर ना जाए कहीं। हाँ। बैठ आ जाएगा ना तेरे इतने में। पर मुझे राधा को पिक्चर लेके जाना है। तो ले जा, और राधा को प्यार से रखियो, ठीक है? ले जा ले जा। क्या कर रहा है, माला जप रहा है? फिर पैसे कैसे? पैसे अबे दिए तुम्हें पैसे, चल निकल यहाँ से। ऑल द बेस्ट। कम पड़ रहे हैं तुझे ये भी पैसे? पूरा बाप पर गया है, बाप एक नंबरी तो बेटा दस नंबरी। लेकिन कुछ भी कहो, बात पते की बता गया, ये मिक्की आलू की टिक्की निकली तो काम की चीज, अब चटनी और दही बनाकर इस टिक्की से मैं चटकारे लूंगा। काम तो मैं पहले ही तुम्हें फोन पर समझा चुका हूँ, तो उसका एडवांस मनी तुम पहले ही रख लो। डोंट वरी सर, काम हो जाएगा। हो तो जाएगा, लेकिन जितना आसान तुम ये काम समझ रही हो ना, उतना आसान नहीं है, क्योंकि जिस आदमी के पास मैं तुम्हें भेज रहा हूँ वो निहायत ही चालू आदमी है, और सबसे मजे की बात तो यह है कि वो मेरा भाई है, इसीलिए तुम्हें एक बहुत ही सीमित दायरे में ये काम करना पड़ेगा, समझी? समझ गई सर। मेरा नाम मोना है, और मोना जिस काम को हाथ में लेती है उस काम को अंजाम देती है। I like it. I really like it, Mona.
मुझे पूरा यकीन है कि तुम अपने मकसद में कामयाब होगी। May I come in, sir? Please come in. वैसे आपसे किसने कहा कि मेरे कैबिन में आने के लिए इजाजत लेने की जरूरत पड़ती है? नो, खूबसूरत लड़कियों को मेरे कैबिन में आने से पहले इजाजत लेने की कोई जरूरत नहीं है। ओह, यू आर ग्रेट सर। ग्रेट तो गॉड है जिन्होंने तराश कर आपको इतना खूबसूरत बनाया। यू आर रियली ब्यूटीफुल। थैंक यू सर। ये रही आपकी फाइल। फाइल 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 तो ठीक है, लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि आपने कपड़े थोड़े छोटे पहन रखे हैं? सॉरी सर। आप प्लीज यू नो इस तरीके के कपड़े ऑफिस में पहनकर मत आया कीजिए। नो प्रॉब्लम, आप जाइए, कोई बात नहीं। यस, ये आइटम तो बहुत ही अच्छी है, लेकिन पहले पता करना पड़ेगा कि ये भला सच्चाई है या किसी की साजिश।